नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। आज के मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। मैं दिलीप चौबे स्कूल ऑफ डिजिटल आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन का डीन हूं और आपके लिए आज एक मास्टर क्लास कर रहा हूं जिसका टॉपिक है द पावर ऑफ इलस्ट्रेशन। अपने बारे में बता दूं जरा सा, करीब 1986-87 से कॉमिक बना रहा था। पहली कॉमिक मेरी पवन कॉमिक्स के लिए थी, फिर फोर्ट कॉमिक के लिए कुछ कैरेक्टर बनाए, फिर राज कॉमिक के लिए, किंग कॉमिक के लिए, और लगभग 200-300 कॉमिक बना डाली। फिर एक छोटा सा ब्रेक लिया जो कि 14 साल का रहा और वर्ल्ड के बेस्ट गेमिंग अमेरिकन गेमिंग स्कूल डिजीपेन में 14 साल पढ़ाया और अपने आप को ब्रशअप किया और फिर वापस आ गया हूँ इंडिया। हमारी एक कॉमिक कंपनी है, विनमिक्स नाम है, और हमारा स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो इलस्ट्रेशन फील्ड में बहुत सारे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में इलस्ट्रेशन की पढ़ाई होती है और मास्टर डिग्री भी लोग स्पेशलाइज करते हैं इलस्ट्रेशन से। मुझे काफ़ी पब्लिशर्स मिलते हैं, उनकी यही शिकायत रहती है कि अरे चौबे जी, इलस्ट्रेटर ही नहीं है, मुझे आर्टिस्ट कहीं से आप रिकमेंड करिए, इलस्ट्रेटर नहीं है। तो अगर आप अच्छे इलस्ट्रेटर हो या बन सकते हो या बने हो तो कॉमिक इलस्ट्रेशन में करियर है जो कि हम खुद ही ढूंढ रहे हैं और खुद ही ट्रेन कर रहे हैं। चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है आर्टिस्टों की। स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है जहाँ पे आपकी क्विक स्केच और ड्राइंग कैपेबिलिटी अगर अच्छी है तो आप स्टोरी बोर्ड एज अ करियर बना सकते हैं। एनिमेशन स्टूडियोज में जो प्री प्रोडक्शन पार्ट है जिसमें लेआउट, कैरेक्टर डिज़ाइन, कंसेप्ट आर्ट ये सब होता है, उसके लिए बहुत सारे इलस्ट्रेटर की ज़रूरत है। और उसमें जो लेआउट आर्टिस्ट हैं जिनके अंदर काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट, लोकेशन डिज़ाइन, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। और टीचर भी, आर्ट टीचर, आर्ट इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टर की भी काफ़ी संभावनाएं होती हैं। तो अगर आप इलस्ट्रेटर हैं और अच्छे इलस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो रास्ते आपके लिए खुले हैं। हमारी भी स्कूल है, उसके अंदर आपको एकदम हाई क्लास पढ़ाई मिलेगी। तो आज के मास्टर क्लास में आपको थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग सिखाता हूँ, कुछ ट्रेडिशनल मीडियम सिखाता हूँ, कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक पूरा पेज कॉमिक का बना के आपको दिखाएं। और थोड़ी सी ट्रेडिशनल रहेगी, थोड़ी डिजिटल रहेगी, क्योंकि हम जब कॉमिक बना रहे थे तो उस समय तो फोटोकॉपी मशीन तक नहीं थी, तो तब से लेके थोड़ा सा अपग्रेड भी हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ बेसिकली कॉमिक इलस्ट्रेशन को हम दो भाग में बांट देते हैं कैटेगरी में, एक है रियलिस्टिक और एक है स्टाइलाइज। तो बीच में भी बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं, सेमी रियलिस्टिक, कैरिकेचर, जिसको आप कार्टून बोलते हैं उसको हम स्टाइलाइज बोलते हैं। एक स्टाइल है जो कि जैसे आपका मांगा है, दैट इज स्टाइलाइज, दैट इज जापानीज पॉप कल्चर। तो आपको कुछ दिखाते हैं पहले और उसके बाद फिर मास्टर क्लास हम आगे बढ़ाएंगे। तो द पावर ऑफ इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन में मैंने सीधे सीधे दो कैटेगरी आपको अभी बताया, दो कैटेगरी बना देते हैं, एक रियलिस्टिक और एक स्टाइलाइज। तो कुछ हम रियलिस्टिक आर्ट पर पहले आपको दिखाते हैं। तो हमारे विनमिक्स में काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इसमें पहला प्रोजेक्ट मैं जरा से स्टाइल दिखाता हूँ। तो ये हमारा एक कैरेक्टर है असुरा, जो कि आर्टवर्क चल रही है इसकी, और ये कुछ सुपर हीरोज हैं। तो ये हमने थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच में काम किया है और इसमें थोड़ा सिंप्लीफाइड भी है और आप इसको एग्जैजरेटेड भी मान सकते हैं। तो ये इसमें लाइन क्वालिटी होती है, पेंसिल से ड्राइंग बनती है, उसके बाद इसकी इंकिंग होती है, इंकिंग करने के बाद हम इस पर कलर करते हैं। और ये भी ध्यान रखते हैं कि थोड़े ब्राइट हों, थोड़े मर्चेंटाइजिंग का भी ध्यान रखते हैं।
ये भारत के श्री आजकल बहुत लाइमलाइट में है, पूरी दुनिया इनको पहचान रही है। तो ये हमारा एक सुपर हीरो है जो कि सुपर हीरो है, तो इसने थोड़ी बॉडी वॉडी बनाया है, जिम में आता है। तो ये हमने ग्रे स्केल में ही इसको पेंट किया था, तो इसको आप देखिए थोड़ा एग्जैजरेटेड है बिकॉज कॉमिक इंडस्ट्री में थोड़ा सुपर हीरो टाइप का दिखना चाहिए। और ये इसका कॉस्ट्यूम है, तो इसमें एक ट्रेडिशनल वे ऑफ कलरिंग होती थी, मतलब उस समय इतने ब्रशेज नहीं थे, फोटोशॉप नया नया आया था, तो हम लोग अलग तरीके से मतलब लासो टूल से सेलेक्ट करके मैजिक, उस समय तो वैकम भी नहीं था, तो हमारा माउस प्रेशर सेंसिटिव भी नहीं था, तो हम सेलेक्ट करके और ग्रेडियंट डालते थे, ज़्यादा ब्रशेज भी नहीं थे। तो अब थोड़ा ईजी हो गया है। तो ये हमारे कुछ भारत केसरी के पीछे देखिए, थोड़ा सा मैंने मैट पेंटिंग किया राजस्थान का फील लाने के लिए। तो ये इसको आप रियलिस्टिक की कैटेगरी में डाल दीजिए। और ये कैसे ये करते हैं, कितना थिक एंड थिन लाइन होता है, कैसे हेचिंग करते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे वॉल्यूम निकालते हैं, कैसे एनाटॉमी पे फोकस करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए स्कूल है भाई। तो ये हमारे कुछ रियलिस्टिक हो गए, तो आपको मैं रियलिस्टिक से अवगत करा दूं। तो दिस इज समवेयर इन उदयपुर, माय सुपर हीरो स्टोरी रिवॉल्व समवेयर इन राजस्थान। तो एकदम भारत का, भारत केसरी इज इंडियन सुपर हीरो। ये है इसका मुख्य विलन जो कि अभी आपके सामने दिखेगा बहुत जल्दी। तो ये मैं यही दिखा रहा था कि क्या थिकनेस होती है, कैसे हम कंटूर लाइन डालते हैं, कपड़े के लिए कौन से कैसे हम फोल्ड यूज़ करते हैं, कितना थिक एंड थिन लाइन यूज़ करते हैं, बाल कैसे करते हैं, स्ट्रोक कैसे होते हैं, कितना थिक होना चाहिए, बैकग्राउंड में कितनी थिन लाइन होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा रियलिस्टिक कैटेगरी। और जो सेगमेंट टू है जिसमें जिसको हम स्टाइलाइज कह रहे हैं, तो बहुत कम काम हुआ है इंडिया में स्टाइलाइज पे। इसको हम कैटेगरी मान लेते हैं कि छोटे बच्चों के लिए है, हालांकि इतने भी छोटे मतलब एस्ट्रिक्स को आप छोटे बच्चों के लिए तो नहीं मानते ना, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो दिस इज हाउ आई डू स्टाइलाइज आर्ट वर्क। तो सबसे पहले एक कॉमिक है बिट्टू, उसमें सबसे पहले हम कैरेक्टर और कंसेप्ट आर्ट बनाते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर डिज़ाइन है उसके अंदर के, और ये जब हो जाता है कंप्लीट, पूरे कैरेक्टर्स हो जाते हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद फिर हम उसका अंदर का आर्ट वर्क करते हैं, फिर वो कवर पेश करते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया कि जैसे 2D एनिमेशन में लाइन है, इवन यू सी द लाइन ऑल्सो हैव अ डिफरेंट कलर, तो लाइन क्वालिटी कितना थिक होना चाहिए, कितना थिन होना चाहिए, कहाँ पे लाइट आ रही है। तो विट्टू में मैंने जैसे 2D एनिमेशन में शैडो और मैट होता है, वैसे ही मेन कैरेक्टर्स हैं और बैकग्राउंड में हमने काफ़ी कुछ डिफरेंट टाइप का कलर किया है। तो ये विट्टू है। अंदर के आर्ट वर्क पे भी हमने एक स्टाइल को फॉलो किया है, इसके अंदर आप देख लो कि एकदम बिल्कुल 2D एनिमेशन वाला स्टाइल है, और जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच किए हैं, थोड़ा आर्टिस्टिक, काफ़ी इसके अंदर टोनल वैल्यूज हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रशेज हैं। तो ये एक फ्रेम है फॉर एग्जांपल, इसमें आप लाइन क्वालिटी देखिए, पीछे की लाइन में थिक एंड थिन नहीं है, कितनी थिकनेस होनी, तो छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं हम उसमें ध्यान रखते हैं। फिर एक कैरेक्टर है लाल फरिश्ता जिसकी कॉमिक बन गई है, उसके कुछ कैरेक्टर कंसेप्ट आर्ट, तो जैसे ये बल्लू सपेरा है, ये लाल कुकरी है, ये झंडू नवाब है, ये काली चुड़ैल है, ये गिरबिटान है, नाराई डॉलर पटेल और कड़का स्वामी। तो ये कैरेक्टर्स बनते रहते हैं हमारे दिमाग में, उसके बाद ये सारे कैरेक्टर्स को मिला के एक कवर पेज बनाया है मैंने, और इसकी पेंटिंग भी थोड़ी डिफरेंट है, इसमें हमने कुछ अलग स्टाइल रखा है, इसमें सॉफ्ट ब्रश कहीं कहीं यूज़ किया है। और तो ये लाल फरिश्ता, फिर ये एक डाकू झंडा सिंह, ये आखिरी डाकू है हिंदुस्तान का, तो ये उनकी पूरी फैमिली बनाई,
ये झंडा सिंह है, ये बंद बुद्धि है, ये सांबा है, ये गुटका है, तो ये सारे कैरेक्टर्स, इतने कैरेक्टर्स हैं एक कॉमिक के अंदर। इसमें हमने दूसरे तरह का स्टाइल यूज किया है। तो कवर पेज है उसका, आप इसमें देखिए सारे कैरेक्टर्स हैं और इनकी पेंटिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा 3D वॉल्यूम के हिसाब से मैंने इसको किया है, थोड़ा अलग कैटेगरी में डालने की कोशिश की है। तो ये है, ये भी स्टाइल आई, मतलब इतने स्टाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। ये कॉमिक है जो बहुत जल्दी आपके हाथ में होने वाली है। तो ये उसके कैरेक्टर्स हैं, इसका नाम है भूतंकर, इसके मेन कैरेक्टर्स ये हैं और कंसेप्ट आर्ट होने के बाद ये कवर पेज है और इनर आर्ट वर्क भी वैसे ही धांसू है। तो ये कंप्लीट है, किताब हाथ में आने वाली है आपके। तो इसमें हमने दूसरे तरह का ब्रश भी यूज किया है और दूसरे तरह की पेंटिंग स्टाइल भी यूज किया है और एकदम अलग टाइप का, अलग टाइप का कैरेक्टर है। और तो ये है स्टाइलाइजेशन, जिसको आप कार्टून बोलते हैं। कार्टून इससे भी ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये स्टाइलाइज्ड आर्टवर्क है, तो रियलिस्टिक और स्टाइलाइज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉमिक बनाने के लिए ट्रेडिशनली जो हम कॉमिक बनाते हैं उसके लिए इन सब टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो सबसे कॉमनली नोन है वो है एक पेंसिल। तो ये पेंसिल है, इससे हम जैसे कोई कैरेक्टर होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कैरेक्टर बनाया और ऐसे रफ, अभी रफ बना के आपको दिखा रहे हैं। तो ये इससे हम थोड़ा सा टोनल वैल्यू इस तरह से मिल जाता है बड़े आराम से, जो लाइट हम देखते ना, तो शैडो मिल जाता है। फिर उसके बाद क्लीन अप करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो हेयर वगैरह के लिए हम थोड़ा सा फिल हो जाता है एक साथ में। तो कुछ लोग करते हैं कुछ अभी। तो ये हुआ हमारा। उसके बाद हम एक मैकेनिकल पेंसिल लेते हैं और मैकेनिकल पेंसिल से जो ये जो कोर शैडो है, अब जैसे ये है कोर शैडो, तो इसको हम यूज़ करते हैं डार्क वैल्यूज़ दिखाने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये कोर शैडो के लिए ये वाला पेंसिल बड़ा अच्छा रहता है। एक ही बार में हमको समझ में आ जाता है कि हाँ इस डार्क, तो ये कोर शैडो के लिए हम कभी कभी यूज़ करते हैं। 6B भी यूज़ कर लेते हैं, 4B भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये कोर शैडो के लिए हमने यूज़ किया। फिर आता है मैकेनिकल पेंसिल, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं 0.5 की 2B लेड वाली यूज़ करता हूँ, तो इससे अच्छी क्रॉस हैचिंग हो जाती है, इससे अच्छे स्ट्रॉन्ग लाइंस हो जाते हैं। इससे हम जो इंकर होता है या जो डिजिटली भी हम जब इंक करते हैं तो बड़े इजीली सारे लाइन एकदम क्रिस्प होते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि शार्पन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे एक लेड ख़त्म हुआ, आपने दूसरा लगाया और शुरू हो गए। तो इससे लाइन, मतलब थोड़ी क्रॉस हैचिंग के लिए है ये, या हैचिंग के लिए है, मतलब कुछ लोग तो सिर्फ हैचिंग करते हैं ऐसे करके। और तो इससे कंट्रोल लाइन पता चलता है कि हाँ कौन सा कर्व है, कहाँ पे कर्व जा रहा है। इसके अंदर मान लीजिए हमने शैडो कर दिया। तो ये हो गई मैकेनिकल पेंसिल। और हम लोग, मैं नीडेड इरेजर, पुट्टी इरेजर यूज़ करता हूँ, जो क्योंकि ये डस्ट फ्री होता है और इससे अगर आपको कुछ इरेज करना है तो गंदगी नहीं होती और ये सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे आप डांट खाने से भी बच सकते हैं क्योंकि आप गंदगी नहीं मचा रहे। और आप इसको शेप भी दे सकते हैं कि चलो मुझे एक यहाँ पे हाईलाइट देना है, तो आप जस्ट उतनी दूर पे ही काम कर रहे हैं। आपको कोई पतली लाइन इरेज करनी है तो आपने शेप दे दिया और आपने इसको इस तरह से मिटा लिया,
तो ये पुट्टी इरेजर इंडिया में पता नहीं मिल रही होगी हर जगह, लेकिन दिस इज न्यू थिंग एंड, और जस्ट आप इसको स्क्वीज कर दीजिए तो ये क्लीन भी हो जाता है. तो दिस वन आई यूज. फिर एक कुछ माइक्रोन का कुछ पेन है जो इंकिंग के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी क्रॉस हैचिंग के लिए अच्छा है. इसमें पतले और मोटे लाइन मुझे दिख रहे हैं, मतलब अगर हम थिन लाइन कर रहे हैं और थोड़ा थिक लाइन कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो समटाइम्स आई यूज़. फिर आता है आजकल ब्रश पेन भी काफ़ी चल रहा है, तो एक ब्रश पेन भी कर देते हैं. मैं जब फिगर ड्राइंग करता हूँ लाइव, तो ये मैं क्विक लाइंस के लिए यूज़ करता हूँ. बहुत मज़ा आता है इससे. जो डायनामिक पोजेज जो हमारे मॉडल्स मेरे को जेस्चर देते हैं, तो मुझे थिक एंड थिन लाइन साथ में मिलता है विद प्रेशर. तो आप प्रेशर दे के आप थिक एंड थिन लाइन यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, मतलब ज़्यादा कुछ ब्रश जो ट्रेडिशनल हम करते हैं उससे बढ़िया है. समटाइम्स आई यूज़ दिस ऑल्सो. और जो ऑल टाइम फेवरेट है वो तो आपको पता ही है, दैट इज़ मैं इंकिंग के लिए 99 नंबर इंक यूज़ करता हूँ जो कैमल का है. ये वॉश के लिए भी अच्छा है. और ये देखिए आप, ये मैंने डायरेक्ट इंक लिया इससे, और पेंसिलिंग भी नहीं कर रहे हैं. चलो क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, चलो एक एनिमल बनाता हूँ. इसको अगर आप क्लोज अप लेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा इसमें. मतलब एकदम जूम करके तो ये ब्रश है, इसमें आपको थिक एंड थिन आराम से निकलता है. और कभी कभी इंक, मेरे और कुछ वीडियोस हैं उसमें आप देखिएगा कि हाउ टू यूज़ ब्रश फॉर इंकिंग, क्योंकि वो लंबे वीडियोस हैं, आपके लिए अच्छा ट्यूटोरियल भी है वो. तो इसमें थिक एंड थिन लाइन साथ में चल रही है, हैचिंग साथ में चल रही है, और देखो फर वर के लिए, और इसमें देखो थोड़ा सा ड्राई ब्रश भी हो रहा है, यहाँ पे ड्राई ब्रश भी चल रहा है. तो ये तो हो गया टूल्स जिससे हम लोग कॉमिक बनाते हैं. और हर चीज़ का मेथड है, हर चीज़, हर मटेरियल के कुछ डिमेरिट्स हैं कुछ मेरिट्स हैं, तो वो धीरे धीरे लोगों को पता चलता है. फिर एक बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पेपर. कौन सा पेपर यूज़ करना चाहिए इसके लिए, कॉमिक वगैरह के लिए. फिर जो एक और चीज़ है जो ध्यान रखने वाली होती है, वो है साइज़. जो साइज़ किस साइज़ में छप रही है कॉमिक. तो कभी कभी लोग आर्ट वर्क बड़ा छोटा कर देते हैं. अब तो डिजिटल एरा है, आपको फॉर्मेट मिल जाता है कॉमिक का, फॉर्मेट सीधे सीधे साइज़, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती. तो इससे आप ब्लैक भी साथ में लगा सकते हैं, जो शेडो वाला पार्ट है. तो ये है ब्रश. नॉर्मली मैं जैसे कोई कैरेक्टर विजुलाइज करना होता है तो मैं ये ब्लू वाली पेंसिल यूज़ करता हूँ, मतलब क्योंकि ये जब हम इंक करते हैं या जब हम स्कैन करते हैं तो डिजिटली हम इरेज कर देते हैं. तो ये ड्राफ्टिंग के लिए ये जो ब्लू पेंसिल है वी यूज़ दैट, और इसमें हम काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं. फिर इसके ऊपर जब फाइनली ये जब बन जाता है, फिर हम इसके ऊपर
जो फाइनल करना है वो हम इस पेंसिल से, मैकेनिकल पेंसिल से कर लेते हैं। तो ये हमारा मैकेनिकल पेंसिल है। तो अब जैसे ये कंटूर लाइन हमने यूज़ किया इसके साथ, इसी तरह से ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट होते हैं एनाटॉमी के, वो जो हमारा स्क्रिबल है उसी में निकल जाता है ये। तो ये जो ब्लू पेंसिल है, मैं तो ये यूएस से लाया था, प्रिज्मा कलर, डिज्नी के लोग यही यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा पेंसिल, ये है मेरा मैकेनिकल पेंसिल, ये है मेरा 6B पेंसिल। पहले एक रोटरिंग पेन आया करती थी, रोटरिंग पेन अब तो शायद बंद हो गई है। और एक टूल जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रोकिल निब। एक डेमो मैंने क्रोकिल निब का ही बनाया था, तो आप देखिए ये कितना आप बारीक काम भी कर सकते हैं इससे, एकदम एक एक रिंकल बना सकते हैं आप इसे। आप एकदम क्लोजअप में लेके देखो, एक एक आप एक एक बाल बना सकते हैं आप इससे। ये क्रोकिल निब है, ये मेरे पास जो है वो जर्मनी की है, और एक देसी भी आती है। आप जाइए किसी अच्छे से आर्ट शॉप में, और एक छोटी सी डिब्बी होती है और ये होल्डर होता है, तो होल्डर आपके लिए छोटा भी आप रख सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं और बहुत बड़ा भी रख सकते हैं। तो ये एक सेट होता है हमारा जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से ब्रश का ही काम करता है, लेकिन हम लोग ब्रश इसमें यूज़ करते हैं मोटे स्ट्रोक्स के लिए। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने अभी ये क्रोकिल निब से कुछ काम किया और हम मिक्स कर देते हैं। जैसे ये वाले स्ट्रोक हम ब्रश से लेंगे और बाकी के जो हैं वो हमने क्रोकिल से ले लिया। तो ये थोड़ा बहुत हम लोग मिक्स करते हैं ब्रश एंड क्रोकिल। तो ये हो गए हमारे टूल्स जिससे हम कॉमिक बनाते हैं। तो ये तो हो गए मटेरियल जिससे हम लोग कॉमिक बनाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, चलो हम थोड़े 8-1-1 की बात कर लेते हैं, थोड़ी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं बेसिक। तो जो सबसे ज़रूरी टूल है दैट इज़ कॉल्ड लाइन। लाइन आर्ट, लाइन भी बहुत तरह की होती है, और इस लाइन में हम लोग थिक एंड थिन लाइन करते हैं। जैसे ये, जैसे यहाँ पे थिक कर दिया, यहाँ पे थिक कर दिया, क्योंकि शैडो आ रही है तो यहाँ पे पतला है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा थिक है, यहाँ पे थिक है, यहाँ पे थिन है, यहाँ पे थिक है। तो ये हो गया लाइन। तो वैसे तो देखा जाए तो मैथमेटिकल लाइन है कि दो पॉइंट को जोड़ने वाली जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड लाइन। लेकिन लाइन हमारे ह्यूमन बॉडी में कोई लाइन तो होती नहीं होती है, एक वॉल्यूम है। तो टू डिपिक्ट मास और वॉल्यूम वी यूज़ अ लाइन विच इज कॉल्ड स्केच। ये मेरी परिभाषा है। तो इसके अंदर अलग अलग तरह की लाइन होती है, जैसे कि कैलीग्राफी लाइन होती है, इम्प्लाइड लाइन, कंटूर लाइन। तो कंटूर लाइन, जैसे मान लीजिए ये हाथ ऐसे और ऐसे जा रहा है, तो अगर आपने ये किया है और ये किया है तो ये एक गोलाई भी दिखा रही है इसकी, और इधर जाता हुआ भी दिख रहा है। तो जब मैं पेड़ बनाता हूँ तो ऐसे मान लीजिए डाल बनाई इसकी,
अब इसको जब तक हम इसमें कंटूर लाइन नहीं देंगे तो मज़ा नहीं आता, मतलब ये हम लोग इसको ले के चलते हैं कि हाँ ये ऐसे जा रहा है। फिर एक होता है लाइन ऑफ एक्शन, तो ये जब मैं स्टाइलाइज कार्टून बनाता हूँ तो ये एनाटॉमी के लिए बहुत अच्छा रहता है कि एक दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन, तो ये मेरा कैरेक्टर है और ये खुश हो रहा है और ये आया ऐसे, ये खुश होके जंप किया, तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन। फिर जो जेस्चर होता है, जेस्चर लाइन, तो मैं बहुत तरह से जेस्चर ड्राइंग करता हूँ, तो कभी कभी जैसे ये मैं अभी एक जेस्चर ड्राइंग कर रहा हूँ, इसमें मेरी पेंसिल उठेगी नहीं, तो ये बिना उठाए मैंने एक पेंसिल से एक जेस्चर बनाया और ये उठाया, तो एक तो ये हो गई जेस्चर। कभी कभी मैं स्टिक फिगर से भी जेस्चर बना लेता हूँ कि एकदम ये आया एनाटॉमी और ये आ गया मेरा कैरेक्टर ऐसे जंप किया, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। कभी कभी मैं जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड दृश्य होते हैं जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं या थोड़ा सा मुझे फोर शॉर्टनिंग लेना है, तो मैं तब भी मैं ये इस तरह से कंटूर लाइन यूज़ करते हुए बॉक्स में थोड़ा सा एनाटॉमी, तो ये थोड़ा पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है। तो इस तरह की तो हमारी बहुत सारी लाइन हो गई, और भी तरह के लाइन होते हैं, कुछ लाइन्स में फ्लो होता है, कोई फोर्स वाली लाइन होती है, तो लाइन इज अ टूल। देन सेकेंड इज टोनल वैल्यू, तो टोनल वैल्यू क्योंकि कॉमिक में हम लाइन आर्ट दिखा रहे हैं, तो नॉर्मली जैसे एक कैरेक्टर है जो कि यहाँ से यहाँ तक खड़ा है, तो जब हम ये थोड़ा टॉप एंगल है मान लीजिए, तो यहाँ से लाइट आ रही है, तो यहाँ पे बहुत सारा लाइट होगा और ग्रेजुअली जाते जाते ये डार्क हो जाता है, तो इसको दिखाने के लिए जो टोनल वैल्यूज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फेस बनाया मैंने और इसमें मुझे लाइट दिखानी है, चलिए मैं भारत केसरी बना लेता हूँ, अब इसमें मुझे लाइट दिखानी है, तो ऊपर से लाइट आ रही है हमारी, तो ये वाला पार्ट हमने लाइट रखा है, और लेकिन ये जो अंदर का पार्ट है ये तो हमारा वैसे ही अंदर है तो शैडो होगा, ये वाला पार्ट है इसके अंदर शैडो होगा, तो ये तो मैं ऐसे थोड़ा सा ट्रेडिशनली बेसिक बता रहा हूँ कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, डिजिटली मैं इसको और अच्छे से आपको बताता हूँ। तो ये टोनल वैल्यूज़ होते हैं, धीरे धीरे ग्रेडियंट को दिखाते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो ये मेरा लाइटर टोनल वैल्यू है, धीरे 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 करके हमने डार्क किया, तो दिस वन डिपिक्टिंग लाइट, दैट लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम टॉप, तो ये टोनल वैल्यूज़ हैं, इसके भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो आप देखिएगा। फिर ये हो गया टोनल वैल्यू, दिस इज सेकेंड टूल, जैसे लाइन था, देन यू गॉट टोनल वैल्यूज़ का ध्यान रखते हैं, फिर लाइट का ध्यान रखते हैं, लाइट इज योर थर्ड थिंग विच आई जस्ट नाउ आई शो यू व्हाट इज लाइट, हाउ वी यूज दैट लाइट, देन कम अ विजुअल टेक्सचर, जब हमारा कैरेक्टर होता है कि भाई अभी मैंने भारत केसरी का जो अपर पार्ट है उसको मेटालिक यूज़ किया, फैब्रिक का ध्यान रखते हैं, मेटल का है, लेदर का है, तो हम कोशिश करते हैं आर्ट वर्क से टेक्सचर बनाने, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा डेमो देते हैं आपको, बड़ा मज़ा आएगा, इंक लेते हैं और एक ब्रश लेते हैं और मैं एक डेमो देता हूँ, जब आप क्लोजअप में देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। देखिए ये ब्रश लिया मैंने, ये मैं मेटल बना रहा हूँ, तो ये मेटल है, थोड़ा सा रस्टेड मेटल है और एक वेपन है ये, और ये मेटल है तो इसमें इस तरह का शाइन आ रहा है, ये वुड में लगा हुआ है, तो ये हो गया मेटल, अब इसको हम
वुड में डाल रहे हैं, तो वुडन टेक्सचर कुछ अलग होता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा कंट्रोल लाइन दें, थोड़ा सा लाइट भी दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा इधर हमने ये वुड का टेक्सचर दिया। अब इसमें हम क्लोथ, एक कपड़ा बना रहे हैं, तो ये कपड़े का अलग टेक्सचर होगा, इसके फोल्ड्स होते हैं अलग, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो ये तो इस तरह से हम विजुअल टेक्सचर बनाते हैं अपने आर्ट वर्क में। फिर एक टूल है जिसको मैं लोगों को बताता हूँ कि थोड़ा सा कम यूज़ किया करो, फोर शॉर्टनिंग। तो ये थोड़ी सी एक बीमारी लग जाती है लोगों को फोर शॉर्टनिंग की, हर चीज़ में वो लगाते रहते हैं। ये समझना चाहिए कि जो ले मैन है उनको नहीं समझ में आता है, इसलिए तो थोड़ा सा आप संभाल के यूज़ करिएगा, क्योंकि ले मैन कहेगा कि भैया ये हाथ कुछ बड़ा हो गया है टाइप का। तो ये मैं फोर शॉर्टनिंग यूज़ कर रहा हूँ एक कैरेक्टर के ऊपर, और तो ये इस तरह से मैंने कैमरा यूज़ किया थोड़ा सा टॉप में। तो ये मेरा कैरेक्टर है जिसमें हमने थोड़ा सा फोर शॉर्टनिंग दिया, ये आया थोड़ा सा एनाटॉमी का, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा फोकस दिया। तो ये है फोर शॉर्टनिंग। जब हम हीरो वगैरह की फाइट वाइट दिखाते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ या लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा कैमरा एंगल अलग डालें, तो यहाँ भी डाल देते हैं चलो फोर शॉर्टनिंग थोड़ा सा, और यहाँ डाल देते हैं नीचे जाने का। तो दिस इज़ कॉल्ड फोर शॉर्टनिंग। ये भी एक टूल है जिसकी ज़रूरत पड़ती है कॉमिक इलस्ट्रेशन में। और आता है पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव इज नॉट ओनली, अगर आपको खाली ये नहीं कि बैकग्राउंड में या लैंडस्केप में पर्सपेक्टिव जाएगा, इसके अंदर भी ये पर्सपेक्टिव है कि हाँ भाई टॉप से है। तो एक सीक्वेंस में लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप चेंज करते रहते हैं कि हाँ दो लोग हैं बातचीत चल रहे हैं। फिर एक टूल है जो कि आपको यूज़ करना होता है, वो है बैलेंसिंग द फ्रेम। तो दो तरह के बैलेंस होते हैं, एक सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। तो वो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए एक फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर इतना सारा टेक्स्ट है, अब दो लोग हैं तो एक को मैंने यहाँ बनाया एक को यहाँ बनाया, तो फिर थोड़ा सा गोल्डन रूल यूज़ करते हैं कहीं कहीं पे कि हाँ भाई सही लगे दृश्य। एक फ्रेम में एक बंदा है जिसके हाथ में एक रिवॉल्वर है, अब यहाँ पे एक कैरेक्टर है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ वैनिशिंग पॉइंट हो। तो 2-3 पॉइंट लगाते रहते हैं, थोड़ा फिश आई लगा देते हैं। तो ये होता है, ये हो गए आपके टूल्स। तो 9-10 बेसिक टूल्स हो गए, लाइन हो गया, टोनल वैल्यू हो गया, लाइट हो गया, विजुअल टेक्सचर हो गया, फोर शॉटिंग, पर्सपेक्टिव एंड बैलेंस। तो इससे हम, इनकी ज़रूरत होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है एनाटॉमी पे, क्योंकि आप कैरेक्टर्स बना रहे हैं तो एनाटॉमी ड्राइंग बहुत ज़रूरी होती है। लाइव हमारे यहाँ फिगर ड्राइंग्स होती हैं, तो मैंने तो 10-20 हज़ार फिगर ड्राइंग एवरी वीकेंड हम करते रहे, और अब लखनऊ में भी कर रहे हैं, तो एनाटॉमी पे आपको काम करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए एक कॉमिक का पेज बनाते हैं, उसके अंदर एक हीरो है और एक विलेन है, इन दोनों में कुछ 5 सीन होगा, 5-6 पैनल्स होंगे। तो आते हैं हीरो बनाने की बात होती है, तो जब भी कोई कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं 90% लोग सब क्या करते हैं, कैरेक्टर डिज़ाइन करने से पहले वो दुनिया भर के गूगल में जाके लोगों के डिज़ाइन देखना शुरू करते हैं, उसी में थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके और वो अपने कैरेक्टर्स बना लेते हैं।
एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह दिमाग होना चाहिए जब आप कैरेक्टर डिजाइन कर रहे हैं. तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ हीरो एंड अ विलन फ्रॉम स्क्रैच. थोड़ा सा क्या बनाने जा रहे हैं मुझे भी नहीं पता, बट लेट्स सी. तो आई एम यूजिंग वन सॉफ्टवेयर विच रेप्लिकेट वन पार्ट और एक मिनट में एक कैरेक्टर बनाऊंगा लाइव. देखिए तो ये फेस है और ये इसका थोड़ा सा एनाटॉमी है और ये मेरा एक सुपर हीरो है और ये इसका लेग पार्ट है और ये मेरा सुपर हीरो ऑलमोस्ट रेडी है. इसके हाथ में कुछ ऐसे सॉर्ड है. मुझे जो एक्सपोर्ट करके सेव करने में ही टाइम लगता है, बनाने में नहीं लगता. और इसको मैं 300 dpi रखता हूँ ताकि मैं यूज़ कर सकूँ. और इसको मैं दोबारा नहीं देख रहा और उसको मैंने क्लियर कर दिया. एक कैरेक्टर मैंने क्रिएट किया है, इसमें थोड़ा सा मैं कुछ थोड़ा बॉडी बिल्डर है, थोड़ा सा और थोड़ा शेप इसका हीरोइक है. तो मेन चीज इसमें यही है कि मैंने इतना है फिगर ड्राइंग किया है, एनाटॉमी ड्राइंग की है कि इजी होता है मेरे लिए. और इसमें सबसे अच्छी बात ये है सॉफ्टवेयर में कि अंडू नहीं है, तो देयर इज नो अंडू इनटू दैट. तो वो भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो नो अंडू. एक और मैंने कर लिया, इसको भी मैं 02 के नाम से सेव कर दे रहा हूँ. अभी JPEG रखते हैं और इसको 300 dpi कर दिया और इसको क्लियर कर दिया. फिर एक और बनाते हैं, इसमें भी थोड़ा स्टाइलाइज ही रखते हैं और कैरेक्टर का नाम भी सोच लेते हैं तब तक. सोच रहा हूं चलो एक इंडियन नाम रख देते हैं, चलो राधे रखते हैं. राधे राधे जो है वो एक मूवी थी, सिंपल ही रख रहे हैं अभी, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगा रहे. तो ये हमारा एक सिंपल सा एक और कैरेक्टर हुआ, इसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं. तो तीन तो मैंने बना लिए, 03, और इसको JPEG में रख लेते हैं और सेव कर लेते हैं 300 dpi पे. और एक बनाते हैं, थोड़ा सा डिटेल डाल देते हैं, थोड़ा सा डिटेल डाल देते हैं. तो इसमें थोड़ा ग्रेडियंट रहेगा, तो रेड हो गया ये, चेस्ट हो गया, ये टॉर्सो हो गया, ये हैंड हो गया. तो ये मॉडल शीट के लिए है कैरेक्टर, जब हम विजुलाइज करते हैं तो कॉस्ट्यूम वगैरह बहुत पिक मिल जाता है. यहाँ पे इसके कुछ बेल्ट है और जो सिल्वेट होते हैं, सिल्वेट जब हम बनाते हैं कैरेक्टर्स के तो उसमें कुछ स्कोप रहता है कि भाई जो क्लाइंट है वो भी देखे. तो इससे बढ़िया है कि आप पहले थंबनेल्स बना लें और ये देख. तो ये हमारा सुपर हीरो है और इसका कुछ नाम राधे है. तो मैं जब सिल्वेट बनाता हूँ तो मैं एकदम बिल्कुल उसी को फाइनल लेके चलता हूँ. उसमें एक बार अगर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई थंबनेल बनाया तो थंबनेल का मतलब बहुत स्क्रिबल होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है. थंबनेल मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए. आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, थंबनेल आपको जो समझ में आया आपने ओके कर दिया और लास्ट में आपको कुछ और मिल रहा है तो गुस्सा हो जाता है. थंबनेल हैज टू बी वेरी क्लोज टू द फाइनल प्रोडक्ट. तो ये हो गया मेरा 04 ऑप्शन, इसको भी JPEG कर लेते हैं और
300 कर देते हैं, 300 रुपये। और थोड़ा एक बैड गाय बनाते हैं, विलेन, इसकी एनाटॉमी हम थोड़ी सी अलग रखते हैं, थोड़ा क्रीचर टाइप बना देते हैं। चलो तो थोड़ा क्रीचर टाइप नहीं, ह्यूमन ही रखते हैं, चलो इसको हटा देते हैं। तो मेरे को जितना टाइम लगता है बनाने में उतना ही टाइम लगता है रिजेक्ट करने में। सॉरी थोड़ा नॉइजी है, ट्रैफिक है यहाँ पर। तो ये बैड गाय है जो कुछ पहना है पीछे मास्क टाइप का, और ये सब लाइव चल रहा है, मतलब जो जिस स्पीड में मैं बना रहा हूँ उसी स्पीड में शूट भी हो रहा है। तो ये हो गया मेरा बैड गाय का एक। ये मेरा विलेन हो गया। तो यही है कि आप ये बिल्कुल थिंकिंग प्रोसेस है मेरा, एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह दिमाग रख के और तब मैं बनाता हूँ। तो कहीं से कोई कॉपी और ये वाली कहानी नहीं कि वहाँ से मार लिया यहाँ से मार लिया वाली कहानी नहीं रखते। आपने मंत्रा देखा, मंत्रा में बहुत सारा कुछ हमने ओरिजिनल लिया, और भारत केसरी है, असुरा में तो हर भर के कैरेक्टर्स हैं, जबरदस्त कैरेक्टर्स हैं। तो ये मतलब इसमें आपको एनाटॉमी, आपकी एनाटॉमी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। तो जब आपकी ड्राइंग अच्छी रहेगी, ये थोड़े सिंपल से कैरेक्टर है बड़ा, तो लग जाता हूँ रचने में, तो बाद में हमें को प्रोडक्शन दिक्कत होती है। तो ये हमारा एक बैड गाय है, एक्सपोर्ट बैड गाय टू। एक्सपोर्ट बैड गाय टू, सॉरी मैं फॉर्मेट भूल गया था। और ये फिर मैं उसको फोटोशॉप के लिए आया था। ये हमारे थंबनेल्स थे, ये सब एक एक मिनट के थंबनेल्स थे, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। और मैंने ये सेलेक्ट किया एक थंबनेल फॉर द हीरो एंड दिस इज फॉर द विलेन। फिर जो थंबनेल है और जो हमारी इंकिंग होगी उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, आप खुद देख लीजिए। जो जैसा मुझे थंबनेल मिला था उसी थंबनेल के ऊपर मैंने इंकिंग करी है, कोई चेंजेस नहीं कुछ नहीं। मतलब जो एक मिनट में मुझे थंबनेल मिला था स्क्रिबल, उसको मैंने क्लीन अप कर दिया ऐसे ही, मतलब ये तो डेमो है तो थोड़ा इसको क्लीन अप कर दिया सिंगल लाइन में, और उसके बाद इसमें एक रैंडम कलर डाल दिया। तो ये कलर हो गया उसके ऊपर रैंडम, इनका नाम रख दिया मैंने मिस्टर डेंजर एंड दिस इज राधे। तो एक स्क्रिबल स्केच था, फटाफट मैंने किया, उसके ऊपर ये दो कैरेक्टर बन गए। तो अब इन दोनों को लेके मैं एक फाइट सीक्वेंस बनाने की कोशिश करता हूँ, बने रहिए। तो स्टोरी ये है कि मिस्टर डेंजर और राधे में लड़ाई होने वाली है। तो मिस्टर डेंजर अपने हाथ में कोई वेपन लिए हुए हैं और उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, और राधे जंप करके और उनको कोई चीज़ उठा के और मार देते हैं। बस इतनी सी कहानी है। इसके अंदर मैंने पेज डिसाइड कर लिया है और थोड़ा स्क्रिबल करते हैं। तो 5 फ्रेम रखते हैं, ये ब्लीड एरिया है तो यहाँ से क्रॉप होता है, थोड़ा सा टेक्स्ट के लिए जगह छोड़ देते हैं। तो पहला सीन मैं सोच रहा हूँ कि एकदम इस्टेब्लिशिंग शॉट है कि ये मेरा मेन कैरेक्टर है और इसके हाथ में एक
ये जो है कि एक वेपन है जो कि चार्ज होता है और ये इनको यहाँ से मारते हैं, ये थोड़ा सा मिड शॉट लेते हैं और ये पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे मेरा हीरो खड़ा है और दूसरे में फ्रेम में एक क्लोजअप कर देते हैं जिसमें इन्होंने अपने गन से थोड़ा सा फोर शॉटिंग देंगे और यहाँ से इन्होंने चार्ज कर दिया और ये चार्ज हुआ। उसके बाद मेरा हीरो दौड़ता है, दौड़ के और दौड़ते हुए इसने कोई चीज़ यहाँ से उठाई और यहाँ पे कुछ रखा होगा और एकदम तेजी से दौड़ा फ्रंट पे, थोड़ा ये भी फॉर शॉर्टिंग टाइप करेगा और उसके बाद इसने एक एंटिसिपेट किया, हाथ में जो रॉड लिया है उसको एंटिसिपेट किया और यहाँ पे उसने घुमा के और मार दिया, थोड़ा फ्लाइंग टाइप का रहेगा और मेरा कैरेक्टर थोड़ा क्लोज अप में होगा और इसका वेपन टूट गया। तो ये हो गए हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्रेम हो गए और इसको मैं थोड़ा सा सेकेंड स्टेज पे जाता हूँ, थोड़ा सा जेस्चर को और थोड़ा डायनेमिक करते हैं। तो ये हमारा कैरेक्टर जो है वो थोड़ा एंटिसिपेट भी कर रहा है और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने एंटिसिपेट कर रहा है ये थोड़ा सा। ये हमारा मेन कैरेक्टर हो गया, ये मेरा थोड़ा विलेन कैरेक्टर है। इसको लेफ्ट हैंड से कर देते हैं, लेफ्ट हैंड, दैट विल बी मच बेटर। और जो ये वेपन है वो जो मैंने थंबनेल में बनाया उससे थोड़ा सा मैं इसको वो तो थंबनेल था, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करते हैं, थोड़ा और अच्छा करते हैं। ये जेस्चर में थोड़ा सा एनाटॉमी मैंने दूसरी तरह से कर ली, तो आप इसको देखेंगे ये थोड़ा सा इस तरह का हो गया और ये थोड़ा इस तरह से हो गया। पहले यही वाला फ्रेम करते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं इसको। तो ये मैंने बंद किया, इसको और थोड़ा सा कम कर लिया, थोड़ा सा और अच्छा करते हैं इसको। अभी मैंने कैरेक्टर के जो डिटेल्स हैं वो उस पर नहीं डाले हैं। तो जब हम हमें मौका मिलता है जितना हो सके लाइव फिगर ड्राइंग करना चाहिए, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे एनाटॉमी की पढ़ाई नहीं होती ढंग से, उनको मौका नहीं मिलता, पूरी ज़िंदगी वो फिगर ड्राइंग नहीं कर पाते। मेरे लिए बड़ा अच्छा था कि मैं बाहर था तो मुझे न्यू फिगर ड्राइंग्स मिलती थी एवरी वीक, कम से कम 3 घंटे तो मैं करता ही था, कभी कभी 3-3 बार में जाता था। कुछ डॉक्टर स्केच ही था, बहुत सारे प्राइवेट ग्रुप्स थे जो अपना सेशन करते थे। सो मुझे जब भी चांस मिलता था मैं जाता था फिगर ड्राइंग, उससे मेरी एनाटॉमी मतलब एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गई। ये अभी भी मेरे लिए स्क्रिबल ही है, कैरेक्टर थोड़ा साइड में रखा है मैंने।
तो पहले शुरुआत में पूरा एनाटॉमी आपको बनाना चाहिए, उसके ऊपर कोई डिटेल और दुनिया भर के आर्मर्स और प्रॉप्स ये सब नहीं पहनाना चाहिए। जैसे हम लोग अपनी बॉडी को सजाते हैं, पहले बॉडी में हम डीओ लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, बाद कपड़े वपड़े पहनते हैं, सेम प्रोसेस है। तो पहले हम एनाटॉमी की ड्राइंग कर लेते हैं, फिर बाद में उस पर कैरेक्टराइजेशन के ऊपर जाते हैं। मेरे लिए दोनों ही इजी है, मतलब ट्रेडिशनली कॉमिक बनाने में तो मेरा विजुलाइजेशन प्रोसेस थोड़ा सा अभी भी पुराने जमाने का ही है। आई स्टिल लव टू ड्रॉ विद पेंसिल एंड देन आई ट्राई टू ऐड डिजिटल स्टफ्स इनटू दैट। तो इसमें थोड़ा सा कैरेक्टराइजेशन भी कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं। सारे फ्रेम तो शायद नहीं बनाऊंगा मैं, बट एक फ्रेम करते हैं पहले। एकदम फ्रेश कैरेक्टर है, पहली बार बन रहा है। तो ये जो है इसके अंदर हम कुछ मैकेनिज्म डाल देंगे तो वो कुछ वेपन टाइप का हो जाएगा। एंड देन इट विल चार्ज लाइक समथिंग। और मेरा हीरो तो ज्यादा कुछ है नहीं, हीरो में एक चश्मा सा लगाया है, है क्या, और उसने कुछ ग्लव्स पहने हैं, यहाँ पे एक छोटी सी बेल्ट है और ऐसा कुछ पहना है और शू। तो हम आ गए थोड़ा सा और डिटेल में आ गए। अब इसको मैं जरा इंकिंग भी कर देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। मैं नॉर्मली इस तरह से एक ब्लू लेयर डाल के और इसको स्क्रीन कर देते हैं तो मुझे मेरी इंकिंग की लाइन दिखाई देती है और इसके ऊपर मैं इंकिंग करता हूँ। तो इंकिंग के लिए मैंने ब्लैक इंक लिया है, इसमें थोड़ा थिक एंड थिन भी डालेंगे, हालांकि बहुत लॉन्ग शॉट है, देखते हैं कैसा आता है। तो मैंने 3 नंबर की थिकनेस की ब्रश ली है, काफी जूम करके बना रहे हैं, काफी जूम किया है ताकि आपको थोड़ा सा डिटेल दिखाई दे। तो वो भी जो फॉर्मेट है उसका भी ध्यान रखते हैं कि मान लीजिए ये प्रिंट के लिए जा रही है तो CMYK पे काम करते हैं, डिजिटली जा रही है तो RGB पे काम करते हैं, तो
तो ये जाएगी मान लीजिए प्रिंट के लिए, बहुत ज्यादा रेंडर तो नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कंट्रोल लाइन दिया यहाँ पे, ये मुझे फायदा होता है कि जैसे ट्रेडिशनल इंकिंग है वैसे डिजिटल है, क्योंकि मैं दोनों ही करता था पहले भी, तो उसके बेनिफिट मिलते हैं डिजिटल एरा में आने के बाद। टाइप किया मैंने अपने स्क्रिबल को, थोड़े से फ्रेम डाल दिए, तो ये पहला फ्रेम है जिसमें ये अटैक कर रहा है, फिर ये थोड़ा सही किया मैंने, थोड़ा फोर शॉटिंग डाला, फिर मेरा कैरेक्टर दौड़ता है कुछ उठाता है यहाँ से, फिर ये दौड़ रहा है, ये थोड़ा अभी मज़ा नहीं आया, मे बी आई डू दिस इवन बेटर। फिर एक जंप लेता है और जंप लेके इसको मारता है। अब इसमें जितने भी एनाटॉमी थोड़े से सही कर दूँ तो उसके बाद देखते हैं। बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं है, थोड़ा स्किनी है दोनों कैरेक्टर, तो थोड़ा सा और स्क्रिबल करते हैं, थोड़ा और सही करते हैं। तो पहले इसको करके देखता हूँ, अभी ये रफ ही है या? ये एक राउंड और थोड़ा सा रफ सही कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट जो है वो जान होती है, जो हमारे राइटर्स हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनकी, उनके जो दृश्य जो लिखे रहते हैं जो विजुलाइज करके जब वो बन जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो गुड्डू दरोगा बना रहे थे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सीन लिखे हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। भारत केसरी तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो ये एक तरह से मेरे लिए रफ है, उसके बाद और क्रिस्प लाइन करूंगा। हाँ तो कॉमिक बनाने में टाइम लगता है भाई, तो बस ये है कि अभी एनाटॉमी पे काम कर रहे हैं, उसके बाद उसके जो बैकग्राउंड्स हैं, थोड़ा सा जो भी इसका जॉनर है जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, ये जो मेरा कैरेक्टर बना है अभी इसकी आंख नहीं है, एनाटॉमी पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, जितना लाइव जाएंगे, जितना डायनेमिक पोजेज आप सोच सकते हैं, मतलब बिफोर क्लीन अप यू शुड डू सम मोर ऑप्शंस सो दैट यू कैन चूज। मैं भी करता हूँ, दो तीन एंगल से सोचता हूँ
एक मैनक्विन रखते हैं हमेशा अपने पास जब भी कुछ एक्शन जेस्चर करना होता है, तो कैमरा एंगल चेंज करके देखता हूँ कि भैया यहाँ से अगर बनाते हैं ऑलवेज हेल्प अ मैनक्विन। ये सब तो सब मेमोरी से बनाते हैं। कॉमिक बनाने के एक भी फ्रेम के लिए आई डोंट टेक एनी काइंड ऑफ रेफरेंस। इसमें बहुत टाइम लग गया, पहले तो हमारे ज़माने में तो था ही नहीं कुछ गूगल वूगल, हवाई जहाज एक कॉमिक थी उसके अंदर मुझे कॉकपिट के अंदर पायलट बनाने थे। अब कहाँ से आप जाओगे हवाई जहाज देखने, कहाँ पायलट देखोगे, मैंने कभी एयर ट्रैवल नहीं किया था उस समय, अब कॉकपिट के अंदर कहाँ जाने को मिलता है। और रेफरेंसेज इतनी ईजी होते भी नहीं थे कि आपको मिल गया आसानी से, तो नहीं मिलते थे। सो ही पिक समथिंग फ्रॉम हियर, ये जेस्चर थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वाला थोड़ा देखते हैं, इसको बनाते हैं रुको। सो ही इज रनिंग, थोड़ा सा इसको अगर मैं होल्ड भी किया है और थोड़ा फोर शॉटिंग भी देते हैं, ये शोल्डर अगर ऊपर रहेगा ये वाला और ये इधर से आएगा और यहाँ पे अगर हमने फोर शॉटिंग डाला, अंदर हाथ डालते हैं तो मज़ा नहीं आता, अगर ऐसे करते हैं तो शायद अच्छा लगे। तो ये हाथ आगे जाता है तो ये पैर आता है यार, ये पैर, दिस इज मच बेटर देन बिफोर, और इसको हम हवा में उड़ा सकते हैं, दिस वन इज मच बेटर जेस्चर। तो आप देखिए पहले वाले में और इसमें कितना फर्क है, इसी पे काम करते हैं। फिर ये ऐसे गया, फिर जम के आ रहा है कि पीछे से भी जम कर सकता था बट इट्स ओके, बहुत ज्यादा जंप नहीं कराना इसको, नहीं यहाँ रखते हैं और चेस्ट इधर है, ये ऊपर गया, थोड़ा नॉइजी है मेरा ऑफिस यहाँ पे और विंटर्स में तो फैन भी नहीं चलता ना, नाउ ही होल्डिंग दैट। तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, ये हो गया। फिर आते हैं इसके ऊपर मेन वाले सीन, इसको थोड़ा सा उठा के पीछे रख देते हैं क्योंकि जगह है यहाँ पे, आई कैन पुट दिस अंटिल हियर, फुल पेज का वाला था ये वाला जेस्चर। तो देखिए मेरा प्रोसेस ये है, यहाँ पे आया मेरा मेन गेट, ये हो गया नेक, ये आया
यहाँ भी मैं ये कंट्रोल डाल रहा हूँ, मतलब ये थोड़ा सा लोअर एंगल है। और शोल्डर मेरा यहाँ से आ रहा है। यू शुड सी इन 3D, मतलब उधर का भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है बट आई कैन मैनेज दैट। टॉर्सो का हिस्सा है, यहाँ पे एक पैर आ रहा है, इसमें हमने दिया फोर शॉट नहीं। ये हो गया पहले नीचे का पार्ट। ये हो गया शू वाला पार्ट, इसका ये आएगा ऐसे। थोड़ा सा लोअर पार्ट भी दिख जाएगा। यू कैन एक्चुअली, जैसे अभी मेरा पहला स्क्रिबल स्टेज से, अभी आप देख लीजिए जस्ट दूसरा स्क्रिबल स्टेज है, इसके बाद तीसरा भी हो सकता है। मैं इसको दो बार और क्लीन अप कर सकता हूँ। और बस मेन चीज है कि आप कितना अच्छा एनाटॉमी पहले करते हैं पहली बार, दूसरी बात कंपोजिशन कितना अच्छा करते हैं, तीसरी चीज़ है बाद में जो रेंडरिंग होती है, क्लीन अप होता है, वो सब बाद में आप ऐड कर सकते हैं जितना आपके पास टाइम रहे, जितनी आपकी सुविधा हो। फिर लाइट सोर्स होती है कि यहाँ भाई लाइट किधर से आ रहा है। फिर उसका डिजिटल कलरिंग है, तो डिजिटल कलरिंग के लिए फिर कभी मैं और दूसरे को मास्टर क्लास कर लूँगा। हालांकि कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, वो आने वाले हैं, आप यूट्यूब पे भी नज़र रखिए, वो स्टेप बाय स्टेप बनाया मैंने आराम से। ये मास्टर क्लास है, एक घंटे में आपको हम क्या ही बता दें, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ प्रोसेस आपको समझ में आए कि कैसे हम लोग सोचते हैं कॉमिक आर्टिस्ट, क्या बेसिक्स होती हैं। तो ये जो इसका वेपन था वो और टूट गया है और इसमें से धुआं निकल रहा है। तो ये इस तरह का फ्रेम सेटिंग होता है हमारा, और एक्शन सीक्वेंस का, और जो हमारे कैरेक्टर्स हैं कुछ हम उसको बनाते हैं। फिर लाइट वाइज भी देखते हैं, जैसे मैं आपको एक लाइट का एग्जांपल दिखाऊं, तो ये देखिए इस पर अगर मुझे लाइट दिखाना है तो मान लीजिए लाइट ऊपर से आ रही है, तो इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। तो ये एरिया मेरा डार्क हो गया, इसके अंदर थोड़ा सा डार्क हो गया। ये पूरा का पूरा एरिया डार्क हो गया। अगर ऊपर से लाइट आ रही है तो हम ऐसे सोचते हैं। तो कलर ब्लॉकिंग से पहले भी हमको ये दिमाग में रखना होता है थोड़ा सा। ये वाइट मैंने चीटिंग के लिए छोड़ दी कि भाई वहाँ पे मेरा लाइन आ रहा है, और फिर ये हिस्सा मेरा डार्क हो गया। वो जो पहले कॉमिक में बहुत ज़्यादा वो ब्लैक ब्लैक भर दिया जाता था, क्योंकि उसके पहले हमारे पास खाली फ्लैट कलरिंग और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे पेंटिंग की, तो इस वजह से हम जितना हो सके ब्लैक से शैडो निकाल लेते थे। लेकिन अब कलरिंग के लिए स्कोप है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चलता है हमारे दिमाग में जब हम कलरिंग कर रहे होते हैं, तो ये लाइट सोर्स के लिए हम ऐसे यूज करते हैं लाइट।
तो ये रहा एक छोटा सा डेमो आपके लिए, इलस्ट्रेशन के लिए, कॉमिक इलस्ट्रेशन के कुछ फ्रेम्स हैं, और देखते हैं अगर कभी इसको टाइम मिला तो मैं कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जरा सा। So, the action scene of Mr. Danger versus Mera Hero Radhe. तो ये इनकी कर दी मैंने, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी कर दिया। मेरा विलेन कुछ मशीन गन टाइप की चीज है, फिर वो यहाँ से फायर करता है और वो गोली से बचता है। यहाँ पे कंटिन्यूटी में एक यहाँ पे रॉड थी, वो रॉड को उठा लेता है और फिर वो दौड़ता हुआ आता है और यहाँ पीछे ब्लास्ट होता है। ये दूसरी बार फायर करता है, ये जंप करता है और घुमा के इसको मार देता है और इसका वेपन तोड़ देता है। तो ये है इंकिंग, और इसके बाद इसकी हमने फ्लैट कलरिंग की। तो ये है फ्लैट कलरिंग, तो कलर हो गया हल्का सा। इसके बाद एक और पोर्शन आता है जिसको हम इफेक्ट्स बोलते हैं, इसके ऊपर लाइट के इफेक्ट किधर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो कलर होने के बाद कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है और थोड़े से डिटेल आप भी देख लीजिए। तो ये अच्छा डायनामिक पोज बना है, ये जंप करके ऊपर गया और ये दौड़ के आ रहा है और इसको चोट लगी है और ये इसका वेपन टूटा और इसने इसको मार दिया। तो ये है फ्लैट कलर। फ्लैट कलर करने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है उसके लिए बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। तो आप ये देखिए, ये जो हमारा कैरेक्टर है इसकी हमने एक लेयर बनाई, इस लेयर को मैंने जब खोला तो एक एक चीज आप ध्यान से देखना। तो इसकी जो एक स्टिक है वो एक अलग लेयर पे है, जो उसका ग्रे पार्ट है वो सारा एक लेयर पे है, फिर ये जो गोल्डन पार्ट है वो अलग है, स्किन लेयर अलग है, बॉडी लेयर अलग है। सिमिलरली मिस्टर डेंजर को जब हम खोलते हैं तो इसका माउथ पार्ट अलग है, इसका टंग अलग है, टीथ अलग है, जो इसमें पिंक कलर है वो एक लेयर पे है, जो इसने गोल्डन पहना है वो एक लेयर पे है। तो होता क्या है कि जब हम इस पर इफेक्ट डालते हैं तो फॉर एग्जांपल इसको मैंने हटा दिया और मुझे पूरा वाइड स्क्रीन दिख रहा है, और इस पर करते हैं तो ये गोल्डन है, मैंने राइट क्लिक किया, ये मुझे गोल्डन दिख गया एंड आई डोंट नीड टू गो टू द लेयर एंड फाइंड आउट कि विच लेयर क्या लेयर था इसके अंदर मैं लाइट के इफेक्ट दे रहा हूँ। तो ये बहुत इजी हो जाता है अगर अच्छे से फ्लैट कलर हो, लेयरिंग हो अच्छे से। ये मैंने किया, ये बॉडी कलर है, आई डोंट नीड टू गो फाइन कौन सा लेयर है क्या है। तो इस तरह से हम कलरिंग में इसको यूज़ करते हैं, तो लेयरिंग अगर अच्छे से किया हो तो फिर इसके अंदर। तो ये मैं पूरा तो नहीं कर पाऊँगा, टाइम थोड़ा सा कम है, अभी और अच्छे से कुछ और वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें हम कुछ और डिटेल्स देंगे। तो इस तरह से हमारे लेयर्स हो जाते हैं कंप्लीट, और ये पेज है जो आपके लिए एक अच्छा सा एक वीडियो था। तो ये एक सैम्पल था कैसे मैं विजुलाइज करता हूँ एक कॉमिक पेज। आपको कोई भी इस तरह के सवाल पूछने हैं कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, मैं पक्का उसका जवाब दूंगा। मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो कि उनको उनके बारे में सोचता हूं या उनके बारे में जानता हूं, बहुत प्राउड होता है। अभिषेक मंसूनी एक एग्जांपल है, मेरे एकेडमी में पढ़ते थे, आज वो मार्वल के लिए काम कर रहे हैं। हेमंत हमारे स्टूडेंट थे, आए थे हमारे पास, आज वो बहुत सारे कॉमिक्स वो बना रहे हैं। और
सिंगापुर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो मैं नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि 1000 बच्चे हैं, सब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जोश कारपूस, ये एक मेरा स्टूडेंट है जिसके लिए आप मांगा मांगा कर रहे हैं, वो जापान में काम कर रहा है किसी बड़े कंपनी में, वो गेम्स भी बनाता है, 2D एनिमेशन भी करता है और मांगा कॉमिक भी बनाता है। तो थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ, अपने इलस्ट्रेशन स्किल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी स्केचिंग, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, ये नहीं कि गए और फोटो खींच खींच के ला रहे हैं, नहीं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है। फिगर ड्राइंग बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने मेरा क्लास या मेरे टेक्निक और मेरे छोटे छोटे टिप्स, एक क्लास है कि मेरा जस्ट वन क्लास, अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, 6 महीने मुझे दीजिए और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें सीखने को, और एक मजबूत सा, अच्छा सा, स्ट्रॉन्ग सा पोर्टफोलियो बनाइए। अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो कुछ डिस्काउंट भी है, हेवी डिस्काउंट। धन्यवाद। जय हिंद।